हेलो बच्चों, निस्टम क्लासेस में आपका स्वागत है। सुपर फास्ट डिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आ सकता है। तो बच्चों देखिए, प्रश्न क्या रहेगा आपका, यहाँ पर कोई तंबू दिया गया है जो आपको डायग्राम में बराबर में दिख रहा है। एक तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित किया गया है। देखिए यहाँ पे बेलनाकार भाग है और इसके ऊपर एक शंकु को रखा गया है। बच्चों यहाँ पे क्या है, इसकी जो ऊंचाई है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई है, ये बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो दी गई है 2.1 मीटर। उसी के साथ साथ बच्चों अगर मैं बात करूं इसके व्यास की, तो इसका जो व्यास दिया गया है वो 4 मीटर दिया गया है। और बच्चों यहाँ पे प्रश्न में जो इसके ऊपर शंकु रखा हुआ है, इस शंकु का देखिए यहाँ पे अगर मैं रेडियस की बात करूं, त्रिज्या की बात करूं इस बेलनाकार भाग की, तो 2 मीटर होगी और इसके ऊपर इसी त्रिज्या का एक शंकुआकार भाग रखा हुआ है। इस शंकुआकार भाग की जो त्रिज्या ऊंचाई है, एल का मान दिया गया है, स्लैंट हाइट दी गई है, वो है 2.8 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2.8 इसकी त्रिज्या ऊंचाई दी गई है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और साथ ही साथ आपको अगर 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत है तो टोटल लागत बतानी है कितनी आएगी। तो बच्चों देखते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संपूर्ण कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो गए बच्चों यहां पर सीएसए ऑफ शंकु, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस सीएसए ऑफ बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग। तो बच्चों यहां पे अगर मैं बात करूं सीएसए ऑफ शंकु, ये पाई आर एल होगी, और यहां पे अगर मैं सीएसए ऑफ कवर्ड सरफेस एरिया जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलनाकार भाग का, ये 2 पाई आर एच होगी। बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पे एल का मान जो है 2.8 है, एच का मान जो मैं बात करता हूं इस बेलनाकार भाग की, ये 2.1 मीटर है, और अगर मैं बात करूं इसकी आर के मान की, तो त्रिज्या आपकी यहाँ पे 2 मीटर है। तो आइए रखते हैं अपने मान। सबसे पहले कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा बच्चों, एक तो आपका पाई आर आए कॉमन, एक आपका आर आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे एल बचेगा। एल के साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे बच्चों यहाँ पे एच बचेगा, और साथ ही में 2 मल्टीप्लाई में तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पे इसका मान रखूंगा तो 22/7, आर का मान जो आपका है वो 2 है, और एल का जो मान है बच्चों आपका 2.8 है, और 2 मल्टीप्लाई एच का मान जो आपका है 2.1 है। बच्चों जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका जाएगा 22 × 44 यहाँ पे 7 इंटू में, यहाँ पे बच्चों आपका कैलकुलेशन करेंगे 2.8 प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 21 × 42। तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ के देख लेते हैं, 2.8 और 4.2, 10 × 1 3 और 7.0। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका 44/7 × 7.0, मतलब पॉइंट हटाएंगे 0 से 0 कटाया 7 × 7। तो यहाँ पे जो बच्चों आ गया आपका, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 44 cm² आ गया। अब हमें लागत निकाल ली है, तो लागत यहाँ पे प्रति मीटर स्क्वायर की लागत 500 रुपए है, तो 44 cm² की कितनी होगी, तो कुल लागत जो होगी बच्चों ये हो जाएगी 44 × 500, तो 22,000 इसकी कुल लागत आ जाएगी। तो इस प्रकार आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच नितम क्लासेस से जुड़ने के लिए, और सुपर फास्ट डिवीजन के साथ साथ जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच।